हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त गगनदीप वधावन फ्रॉम डिक्की इंस्टीट्यूट शाहबाद मारकंडा। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं कुछ लास्ट के 4-5-6 लेक्चर्स मैंने डाले हैं अभी यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा मेरे से एक मिस्टेक हुई है लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो मैं उसको अभी करेक्ट करने के लिए एक नया वीडियो जो है वो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 3.10 सेकेंड्स के आसपास जो है वो हम लोगों ने NaH को जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं कि NaH जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो उसमें मैंने जो है वो बोलते हुए वहाँ पे गलती से बोल दिया कि NaH जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में है जो वो डिसोसिएट कर रहा है। तो आई नो कि आप लोगों को सबको मालूम है कि वो एक कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसी अगर मिस्टेक्स होती रहे तो प्लीज़ ये जो है वो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, या आपको लगे कि इसको करेक्ट करना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं ये आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाता रहूंगा। बस एक छोटा सा और मेरा मोटिव है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोगों ने जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक कॉपी लगा ली है। ठीक है, और सब लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो है मेरे वीडियोस देखने के बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके से नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव अपने दिमाग में बिठा लो कि 30% जो केमिस्ट्री का पेपर है वो अप्रॉक्सीमेटली इसमें से आने वाला है। ठीक है, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके में मोलैरिटी मोल फ्रैक्शंस और वो लिमिटिंग रिएजेंट्स वगैरह निकालने के लिए डायरेक्टली, या जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो रिएक्शंस होती हैं। अगर वो नहीं आता होगा तो पेपर में क्वेश्चंस नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते बिल्कुल भी। ठीक है, उसको हमें शुरू से ही जो है वो फोकस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है जो क्लास 11th में बच्चे हुए हैं। ठीक है, अगर वो आज से जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी शुरू कर दे तो मुझे लगता है 3 ही चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो प्लस वन में उन लोगों को जो मेजरली देखने हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, जो जिनको उन्हें रट्टा मारना है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से चीज़ें जो है वो मगअप करनी है, वो कौन कौन से, एक हाइड्रोजन चैप्टर है, एक एस ब्लॉक्स है और एक पी ब्लॉक्स है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट है उसमें क्लास 12th के अंदर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाता है और पी ब्लॉक का कुछ हाफ पोर्शन जो है उसके अंदर जो है मेजर दिया हुआ है। ठीक है, या साथ में जो है उन्होंने एक्सट्रैक्शंस भी जो है वो वहाँ पे मेंशनड है। ठीक है, तो अगर आज से अगर आप ये बना लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 30 मिनट्स मेरे हिसाब से आप लोग निकालो, 15-20 मिनट का मेरा एक वीडियो देखो, 10-1 मिनट में नोट करो, अगले दिन उसको रिवाइज करो। ठीक है, रोज रिविजन करो। साइंस ये बोलती है कि 40 डेज अगर हम लोग किसी चीज़ को लगातार रिवाइज कर रहे हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके 30% वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं तो वो जिसको बोलते हैं 0.30% टाइम लें आपका पेपर में सॉल्व होने के लिए, फटाफट से आप देखते जाएं, टिक करते जाएं, देखते जाएं, टिक करते जाएं, तो कंपटीशन जो है वो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करने के लिए, या जो मेजोरिटी टाइम है हम लोग मैथमेटिक्स पे फोकस कर सकते हैं पेपर के अंदर, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह पे जो हम लोग टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी वेटेज वाला पोर्शन है जो रैंक को आपके जो है वो इम्प्रूव कर लेता है। ठीक है, मेरा भी कुछ ऐसा मोटिव नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने इधर इंस्टीट्यूट के काम के लिए। मैंने वो एक सीरियल आता है वो कौन सा, कोटा फैक्ट्री की सीरीज आई, तो मुझे भी वो सरदार जी जो है वो कुछ बनाना बॉन्ड के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ कभी। ठीक है, वो डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार इफ ही कैन डू देन व्हाई कांट आई टीच। ठीक है, तो वहाँ से मुझे कोटा फैक्ट्री से कोरिलेट करके जो है मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को अगर इतना हुआ बना हुआ है तो आई शुड सिंप्लीफाई दैट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट को जो है वो इलैबोरेट करने की कोशिश जो है मैं आगे भी करता रहूँगा और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरे वीडियोज़ को देख के। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मोबाइल नंबर मैं आपका अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में जो है वो शेयर कर दूँगा अगर आप लोग देखते रहेंगे मुझे। ठीक है, फिर आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स, या अगर आप लोग मेरे पास आके लाइव पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चे जो है वो दूर दूर से आते हैं, अराउंड हम लोगों ने 50-60 किलोमीटर्स का रेडियस जो है वो कवर किया हुआ है, जो लोग कैब्स वगैरह अरेंज करके जो है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं बैठा बहुत छोटे से एक टाउन में हूँ जिसको शाहबाद मारकंडा बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों जो है लेक्चर्स जो है वो टेकअप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कंपटीशन पे फोकस करने वाली चीज़ें जो है वो नहीं करवा रहे। ठीक है, मेरा यही मोटिव है कि यहाँ छोटे मेरे होम टाउन से जो है वो बच्चे एक कंपटीशन की सोच अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, कंपटीशन के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि जो लाइफ
जो कंपटीशन क्लियर करके आईआईटी में जाने के बाद या नीट में जाने के बाद आप लोग देखने वाले हैं, वो एक लोकली जिसको बोलते हैं सिस्टम से आप लोग नहीं अपना मैनेज कर सकते, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, मेहनत आप लोगों को करनी है, ठीक है। मेहनत करने की आदत अगर अभी से डल जाएगी, ठीक है, तो फ्यूचर में हम लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा जो है वो इस चीज़ को टेकअप करेंगे, ठीक है। मैं खुद NIT जलंधर से पास आउट हूँ, ठीक है। 3 साल मैं जॉब में था, उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ, देन आई लेफ्ट माई जॉब एंड केम बैक टू माई होम टाउन एंड स्टार्टेड अ स्मॉल इंस्टीट्यूट ओवर हेयर ओनली with my family and all, ठीक है। होप मैं आपकी जो है वो अगर मुझे कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि नहीं यार, आई एम अ नीडफुल पर्सन फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। तो होप आपको मेरे ये वीडियो सब लाइक जो है वो सब्सक्राइब और ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप प्लीज़ उनको कर दो, ठीक है। उससे मेरी एक मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा और मैं फ्यूचर वीडियोज जो है आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, दब के लाइक करो मेरे को, ठीक है। बाकी अभी मैं चलता हूँ, इट्स टाइम टू स्लीप, ठीक है, इट्स 1:30 AM इन द मॉर्निंग। ओके, बाय बाय, सी यू।